टमाटर वाले पनीर। चलिए चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अपने प्याज काट लेने हैं अपने अनुसार, उसके बाद प्याज काट के रेसिपी तैयार करते हैं। पनीर बनाने की रेसिपी कैसे चब बनाते हैं, चलिए चलते हैं देखते हैं। हाँ जी, सबसे रेसिपी में मैंने बताई है थोड़ा अपना स्वाद अनुसार रिफाइंड डालिए, कि जितना आप यूज़ करते हैं जितना खा सकते हैं, तो कोई भी रिफाइंड यूज़ करते हो अपने अनुसार डालो। सबसे पहले थोड़ा हम प्याज डाल देते हैं इसमें, और प्याज को हल्के हल्की आँच पे इसको इस तरह से चलाना है हमने। जैसे हमारा प्याज तैयार हो जाए वो हल्का से ऐसे लाल हो जाए, ज़्यादा नहीं करना है कि ज़्यादा जल जाएगा, हल्की आँच पे चलाना है इसको, ताकि अगर इससे प्याज ही अपना बुझ जाए और कम से कम हल्के हल्के ब्राउन कलर का कलर में आ जाए प्याज। जैसे कि ब्राउन कलर का प्याज तैयार हो जाएगा अपना, इसमें हम थोड़ा कम कम 2 मिनट 3 मिनट इसको आँच में चलाते रहना है, ताकि बढ़िया से ये प्याज पक भी जाए और साथ साथ में कलर जो है ना इसका प्याज का ब्राउन हो जाए। प्याज के कलर ब्राउन होते ही इसमें हम ये टमाटर इसमें अब झोंक देते हैं। ये टमाटर इसमें हमने झोंक दिए, टमाटर इसमें झोंक दिए हमने, और इसके बाद हम ले लेते हैं नमक। स्वाद अनुसार नमक हम डाल देते हैं इसमें, ताकि ज़्यादा मतलब नमक ज़्यादा हो ना जाए। कई लोग नमक कम खाते हैं, कई बंदों को शुगर की प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है। स्वाद अनुसार नमक डाल के इसको थोड़ा इसको भूनने देते हैं, और स्वाद अनुसार इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ज़्यादा तीखा भी नहीं होना चाहिए, सब लोग तीखा नहीं खा पाते हैं। और इसके बाद हम धनिया झोंकते हैं इसके अंदर, धनिया झोंकते हैं, और धनिया अपना इसमें 1 चम्मच धनिया स्वाद के अनुसार, और इसको बढ़िया से इसको चलाते हैं हम। ऐसे चलाते रहेंगे ताकि बढ़िया से मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद अपना ये जो टमाटर हम बनाने की टमाटर पनीर बनाने की रेसिपी बता रहा हूँ, तो बढ़िया से इसको भूनना है, मसाला डाल के बढ़िया से इसको धीमे आँच पे हाथ चलाना है, ताकि पूरी तरह मिक्स हो जाए। सबसे पहले हम ले लेते हैं 250 ग्राम पनीर, और पनीर को हम बारीकी से काट के उसके छोटे 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 पीस बना लेने हैं पनीर के। छोटे छोटे पनीर बना पीस बनाने हैं पनीर के, और ये काट के बिल्कुल अपना सब तैयार हो रहा है। पनीर के आइटम हमने बना दिए हैं, रेसिपी पूरी कंप्लीट कर दी है, बस थोड़ी देर और लगेगी इसमें जो अपना पनीर की जो डिश है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। मैंने 250 ग्राम पनीर दिया है इस रेसिपी बनाने के लिए, और पूरी रेसिपी मैंने आपको बताई है शुरू से एंड तक इस वीडियो में बनी रहिए, ताकि इसकी रेसिपी आप पूरी सीख सको। वीडियो बीच में स्किप मत करना, कि आप इसको जो रेसिपी पूरी बता रहा हूँ आप सीख नहीं पाओगे। सबसे पहले हमने टमाटर काटे, प्याज काटे, फिर प्याज झोंका हमने, उसके बाद टमाटर झोंका, और टमाटर पूरा हम इस तरह चलाते हैं, टमाटर इस तरह हम झोंक के पूरा चलाते हैं हाथ, इस तरह का मिक्सचर अपना टमाटर का तैयार हो जाएगा पूरा।
ये पूरा अपना टमाटर का जो है मसाला पूरा तैयार हो रहा है, और ये अपना मसाला पूरा तैयार हो रहा है लगभग, ये पूरा हमने झोंक के बना दिया है। जब हमने पूरे टमाटर इस तरह के पक जाएंगे बारीकी से, तब तो ये भी रेसिपी बनाने में मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट ही नहीं बल्कि 3 मिनट 2 मिनट लगते हैं टमाटर प्याज भूजने में। तो सर 2 मिनट भी लगते हैं टमाटर भूजने में, इस तरह का मसाला तैयार हो जाएगा, जैसे कि ऑयल बहुत दोबारा दिखने लगे। फिर अपना हमने पनीर काटा अभी रेसिपी, और इसमें हम ये पनीर झोंक दे रहे हैं। अपना पनीर इस हमने झोंक दिया ये, और धीमे आँच इस पर चलाते रहना है ताकि बढ़िया से तैयार हो जाए। ये अपना पनीर की रेसिपी जो है बताई हमने, टमाटर पनीर की रेसिपी, इसमें हम कढ़ाई पनीर बोलते हैं। ये अपनी कढ़ाई पनीर की रेसिपी तैयार होगी, पूरी कंप्लीट तैयार होगी। एक मिनट और आँच देना है ताकि तो पनीर नरम होता है, अगर ज़्यादा आँच पे सिकोगे तो पनीर सख्त हो सकता है। एक मिनट के लिए अपना ये रेसिपी पूरी तैयार हो गई है। चलिए अभी परोसता हूँ आपके सामने थोड़ी देर में, और आपको दिखाता हूँ प्लेट में। धन्यवाद।